Good morning, students. Today I am going to start new chapter HCF and LCM, and the content is even and odd numbers. So let us begin. What is even number? The number which are exactly divisible by 2 are called even numbers. Either you can say a number having 0, 2, 4, 6 and 8 at their ones place are called even numbers. Let us understand with the help of some numbers. Suppose I am taking number 3448 and here the digit at the ones place is 8. Aur isiliye ye even number hai. You can take any number. Suppose I am taking 10001 aur yahan pe ones ki place ki digit jo hai wo 1 hai. Isiliye yah even number nahi hai. Take one more example. 99,990 और यहाँ पर ones place की digit जो है वो 0 है, इसलिए ये भी even number है. What is odd numbers? The number which are not exact multiple of 2 are called odd numbers. Either you can say a number having 1, 3, 5, 7 and 9 at their ones place, all that numbers are called odd numbers. Means कि वो सारे numbers जिनकी ones place की digit, चाहे वो number कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी ones place की digit 1, 3, 5, 7 and 9 है, तो वो सारे नंबर odd number कहलाएंगे. So let us understand with the help of some numbers. Suppose here I am taking 20,443 और यहाँ पे ones की place के digit 3 है, इसलिए ये odd number है. Let us take one more. Here I am taking 1 lakh और यहाँ पे ones की place के digit जो है 0 है, इसलिए ये odd number नहीं है. ये कौन सा number है? ये even number है. ये odd है, but ये कौन सा number है? ये even number है. Let us take one more example. आपको बाकी की डिजिट्स को नहीं देखना है, आपको सिर्फ वंस की प्लेस के डिजिट को देखना है. और वंस की प्लेस के डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर ही होगा. तो यहाँ पे वंस की प्लेस के डिजिट क्या है? 7 है, इसीलिए ये क्या है? ऑड नंबर है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इवन एंड ऑड नंबर विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन? सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अगर वंस की प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर इवन नंबर. So here first number is 5 and 5 is odd number and second number is 8 और 8 जो है वो even number है. 9 is 10 की ones की place की digit 6 है, इसलिए ये even number है. 27 में ones की place की digit 7 है, इसलिए ये odd number है. 93 में ones की place की digit जो है 3 है, इसलिए ये भी odd number है. 100 में ones की place की digit 0 है, इसलिए ये even number है. और 65,431 में ones place की digit 1 है, इसलिए ये odd number है. And लास्ट 42,64,281 में भी वंस प्लेस के डिजिट 1 है, इसलिए ये भी ऑड नंबर है. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60. मींस हमें 31 और 60 के बीच के सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं. तो 31 के बाद क्या आता है? 32. 32 इवन नंबर है क्योंकि उसके वंस की प्लेस की डिजिट 2 है. 32 के बाद आता है 33. अब 33 में वंस प्लेस की डिजिट 3 है, इसलिए ये ऑड नंबर है. 33 के बाद 34 और 4 भी क्या है? इवन नंबर है. 34 के बाद 35 में वंस प्लेस की डिजिट 5 है, इसलिए ये भी ऑड नंबर है. 35 के बाद 36 भी क्या है? इवन नंबर है. तो 36 के बाद क्या होगा नेक्स्ट ऑड नंबर? 37. 37 के बाद 38. 38 क्या है? 38 इवन नंबर है क्योंकि उसके वंस की प्लेस की डिजिट 8 है. 38 के बाद 39 और 39 में वंस की प्लेस की डिजिट 9 है, इसलिए ये ऑड नंबर होगा. 39 के बाद नेक्स्ट नंबर 40. 40 भी इवन नंबर है क्योंकि उसकी वंस की डिजिट 0 है. 40 के बाद 41 होगा नेक्स्ट ऑड नंबर क्योंकि उसके वंस की डिजिट 1 है. 41 के बाद 43 होगा नेक्स्ट ऑड नंबर. 43 के बाद 45 और 45 के बाद 47. 47 के बाद क्या होगा नेक्स्ट ऑड नंबर? यस, 49. और 49 के बाद 50 इज एन इवन नंबर. सो 50 के बाद 51. 51 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर? 51 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 53. और 53 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 55. और 55 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर 57. 57 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 59. सो स्टूडेंट, हियर वी हैव टोटल 14 ऑड नंबर्स बिटवीन 31 and 60. So student, now it's practice time and your first question is write all the even numbers between 12 and 34. Question number 2. Encircle the even numbers with the blue and odd number with green. Students, I have one activity for you related with even and odd numbers. आप सभी को अपने घर के सभी family members का date of birth लिखना है और ये check करना है कि किसका date of birth even number है और किसका odd number है. है ना interesting?
इसी तरह से आप बहुत सारी चीजों के इवन एंड ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों के नंबर्स, आपके घर में जो स्टेयर्स हैं वो इवन नंबर पे खत्म होते हैं ऑड नंबर्स पे खत्म होते हैं, आपके घर में कितने डोर्स हैं, सपोज कि अगर आपके घर पे 5 डोर्स हैं तो 5 क्या हो गया, ऑड नंबर है। इसी तरह से आप कई सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, बाय।